ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज आपके लिए प्रस्तुत है नाग पंचमी से जुड़ी चार पौराणिक कथाएं। पहली कथा है नागों के उत्पत्ति की कथा। दूसरी कथा उन नाग की जिनके लिए मनाई जाती है नाग पंचमी। तीसरी कथा में कैसे एक नाग ने भाई बनकर एक स्त्री के स्वाभिमान की रक्षा की। चौथी कथा है एक नागिन की जिसने की पूरे किसान परिवार को जीवन दान दिया। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं नागों के उत्पत्ति की कथा। हमारे धर्म ग्रंथों में कई प्रकार के नागों का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें से 10 नाग प्रमुख बताए गए हैं। अनंत नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, कारकोटक नाग, पद्म नाग, महापद्म नाग, शंख नाग, कुलिक नाग, इसके अलावा धृतराष्ट्र नाग और कालिया नाग भी चर्चित हैं। इसके अलावा अथर्व वेद में 5 प्रकार के नागों का उल्लेख मिलता है, जो कि दिशाओं के आधार पर वायुमंडल के रक्षक बताए गए हैं। ये नाग है शिवज, खज, प्रिदाक, ग्रीव और वृचराजी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु नाग माता है। कद्रु को सुरसा के नाम से भी जाना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी समुद्र लांघ रहे थे तो देवताओं ने उनकी शक्ति को परखने के लिए नाग माता सुरसा को ही भेजा था, जिसने अपना विराट रूप फैला करके हनुमान जी का रास्ता रोका था। नागों की यह कथाएं पृथ्वी के आदि काल से संबंधित हैं, परंतु इसका वर्णन वेद व्यास जी ने महाभारत के आदि पर्व में किया है। महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन होने के कारण लोग इसे महाभारत काल की घटना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत के आदि काल में कई ऐसी घटनाओं का वर्णन है जो कि महाभारत काल से बहुत पहले घटी हैं, लेकिन उन घटनाओं का संबंध किसी न किसी तरीके से महाभारत से जुड़ता है, इसलिए इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में किया गया है। नागों के उत्पत्ति के बारे में कथा है कि महर्षि कश्यप की 13 पत्नियों में से एक कद्रु भी थी। एक बार महर्षि कश्यप ने कद्रु द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। इस पर कद्रु ने उनसे 1000 तेजस्वी नाग पुत्रों का वर मांगा, जिसके बाद महर्षि कश्यप के वरदान के फलस्वरूप नाग वंश की उत्पत्ति हुई। कद्रु के बेटों में सबसे ज्यादा पराक्रमी शेषनाग थे, उनका नाम अनंत नाग भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता और भाइयों ने मिलकर कश्यप ऋषि की एक अन्य पत्नी विनिता, जो कि कद्रु की बहन भी थी, उनके साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं होगी। और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दोनों शेषनाग के ही अवतार थे। अब दूसरे नाग हैं वासुकी नाग। वासुकी नाग भगवान शिव के सेवक हैं। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया था। त्रिपुरदाह के समय वे ही शिव के धनुष की डोर बने और महाभारत काल में उन्होंने विष से भीम को बचाया था। तीसरे नाग हैं तक्षक नाग। धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक नाग पतालवासी 8 नागों में से एक हैं। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उनके अनुसार श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे थे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गए। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के गले में जो सर्प लिपटे रहते हैं वो तक्षक ही नाग हैं। और कर्कोटक नाग भगवान शिव के गणों में से एक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां कंद्रु ने जब सांपों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूर्ण मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग
प्रयाग में, एलापत्र, ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर करकोटक नाग ने महाकाल वन में स्थित लिंग की स्तुति की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। इसके उपरांत करकोटक नाग उसी शिवलिंग में प्रविष्ट हो गया। तब से उस लिंग को करकोटेश्वर कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन करकोटेश्वर लिंग की पूजा करते हैं उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती। वहीं ग्रंथों के अनुसार धृतराष्ट्र नाग को वासुकी का पुत्र बताया गया है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तब अर्जुन और उनके पुत्र प्रभुवाहन जो कि चित्रगंधा नामक पत्नी से उत्पन्न हुए थे के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रभुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया। प्रभुवाहन को जब यह पता चला कि संजीवनी मणि से उसके पिता पुनर्जीवित हो जाएंगे तो वह उस मणि की खोज में निकला। वह मणि शेषनाग के पास थी। उसकी रक्षा का भार उन्होंने धृतराष्ट्र नाग को सौंपा था। प्रभुवाहन ने जब धृतराष्ट्र से वह मणि मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। तब धृतराष्ट्र और प्रभुवाहन के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और प्रभुवाहन ने धृतराष्ट्र से वह मणि छीन ली। इस मणि के उपयोग से ही अर्जुन पुनर्जीवित हो पाए। और कालिया नाग के बारे में हम सभी जानते हैं। श्रीमद् भगवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। उनके जहर से यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया। तब श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो लीलावश यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग व भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम सब यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो। श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चले गए। इसके अलावा पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक नामक नाग जातियों का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। कुलिक नाग जाति नागों में ब्राह्मण कुल के माने जाते हैं जिसमें अनंत भी आते हैं। ये अन्य नागों की भांति कश्यप ऋषि के पुत्र थे लेकिन इनका संबंध सीधे ब्रह्मा जी से भी माना जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार के नागों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। नाग सदैव ही पूजनीय माने गए हैं और सदा मानव जाति एवं अपने भक्तों पर कृपा करते रहे हैं। अब दूसरी कथा जान लेते हैं जिस कारण मनाई जाती है नाग पंचमी। यह कथा है माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक मुनि से जुड़ी। इस पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि नागों के राजा व कद्रु के पुत्र वासुकी ने ऋषि जरत्कारु से अपनी बहन मनसा देवी का विवाह करवाया जिसके कुछ समय बाद मनसा देवी को एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम रखा गया आस्तिक। यह आस्तिक नागराज वासुकी के घर पर ही पला और आस्तिक को चवन्य ऋषि ने वेदों का ज्ञान दिया। कथा के अनुसार उस समय राजा जन्मजय का शासन पृथ्वी पर था। उस समय यानी कलयुग के प्रारंभ में ऋषि पुत्र ने अपने पिता के अपमान के कारण राजा परीक्षित को श्राप दिया जिसके चलते तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में जब पिता परीक्षित के मृत्यु का समाचार राजा जन्मजय को मिला तो वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उसी समय नाग दाह यज्ञ करने का राजा जन्मजय ने निर्णय ले लिया। इसके बाद नाग दाह यज्ञ शुरू होते ही सभी प्रकार के सर्प इस यज्ञ में आकर गिरने लगे। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि नाम लेकर आहुति देते और सर्प अग्निकुंड में आकर गिर जाते। यह देख यज्ञ से भयभीत तक्षक देवराज इंद्र के यहाँ छिप गया। नाग जाति को समूल नष्ट होते देख नागों ने आस्तिक मुनि से संरक्षण के लिए प्रार्थना की। इस पर प्रार्थना से प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि ने नागों को बचाने से पूर्व उनसे एक वचन लिया कि जिस स्थान पर नाग उनका नाम लिखा देखेंगे या जहां उनका नाम लिखा जाएगा उस स्थान में नाग प्रवेश नहीं करेंगे और उस स्थान से 100 कोस दूर ही रहेंगे। इसके बाद आस्तिक मुनि यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। राजा जन्मजय ने यह देख उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। इस पर राजा जन्मजय से आस्तिक मुनि सर्प यज्ञ बंद करने का निवेदन करने लगे। राजा जन्मजय ने पहले तो इस संबंध में इनकार किया लेकिन ऋषियों के समझाने पर बाद में मान गए।
इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। आस्तिक मुनि द्वारा लिए गए नागों के वचन के चलते ही ये माना जाता है कि सर्प भय के समय जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेता है सर्प उसे नहीं काटते। साथ ही आज भी सर्प उस स्थान पर प्रवेश नहीं करते जहाँ आस्तिक मुनि का नाम लिखा हो, और इस मान्यता के कारण ही आज भी कई लोग अपने घरों के बाहर दीवार पर सर्प से सुरक्षित होने के लिए आस्तिक मुनि की दुहाई ऐसा लिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक मुनि से जुड़ी कथा कि किस प्रकार से उन्होंने नागों की रक्षा की जिस कारण मनाई जाती है नाग पंचमी। अब तीसरी कथा है उस नाग की जिसने भाई बनकर एक स्त्री के स्वाभिमान की रक्षा की। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7ों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशीला थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर के मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरापराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम सभी अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंस कर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन यह बात उसे याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार, मुझसे भूल हो गई, आपकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो भी मांगना है वो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा उसकी तो कोई भाई नहीं था, तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तो डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह अपने घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया जिससे उसका मुख बेहद जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब अपने घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने के लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महाराज जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा।
वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे दिया। अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हीरों और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उससे प्रसन्न होकर उसने बहुत सारी मुद्राएं और पुरस्कार भी दिए। छोटी बहू अपने हार और इन मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने के कारण उसने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे किसने दिया है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है किसान और नागिन की कथा। इसके अनुसार किसी राज्य में एक किसान अपने दो पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। एक दिन खेतों में हल चलाते समय किसान के हल के नीचे आने से नाग के तीन बच्चे मर गए। नाग के बच्चों के मर जाने से नागिन ने शुरू में विलाप कर दुख प्रकट किया, फिर उसने अपने संतानों के हत्यारे से बदला लेने का विचार बनाया। रात्रि के अंधेरे में नागिन ने किसान व उसकी पत्नी सहित दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया और नागिन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन से नागों के कोप से बचने के लिए उस दिन नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।